हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, एक कंपनी नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अनदर थिंग से, ये जो वीडियो है वो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज ए आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड और स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई है 2000, इस्टेब्लिशमेंट है वो 2014 की है जी हाँ, अकॉर्डिंग टू डाटा। और जो कि कंपनी ऐसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है जो कि बेस्ड है कोलकाता में। और ये कई तरह की क्लिनिकल और लाइफ स्टाइल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ जो गुर्दे की कमी का उपचार के लिए भी एक विशेष समाधान प्रोवाइड करती है जी हाँ। और इसमें बात करें इनके कई तरह के जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल टीम है, मैनेजमेंट टीम है। और अकॉर्डिंग टू डाटा जो इनके हॉस्पिटल के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या जो डिपार्टमेंट है या अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी जो संख्या है 110 के करीब है जी। और हर महीने लगभग 900 किडनी रोगियों की जो ये सेवाएं हैं या उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर बात करें तो अस्पताल में 5 परमानेंट डॉक्टर हैं, 10 विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, 70 एक्सपीरियंस पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी जो डिटेल है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ पर। तो आईपीओ की जो प्राइस रेंज फिक्स है वो 85 रुपये से लेकर 90 रुपये तक की है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 1600, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 1,36,000 और मैक्सिमम 1,44,000। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 28 जून से लेके 2 जुलाई तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। शेयर मिलने पर उनका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 3 जून तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 4 जुलाई तक। शेयर मिलने पर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 4 जुलाई तक और उनकी लिस्टिंग होगी 5 जुलाई तक। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। उसके बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी की, तो जिसमें आप कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसिंग के बारे में, क्लाइंट के बारे में आप जो भी डिटेल है वो आप ले सकते हैं जी। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।